आपका क्वेश्चन है, द वर्ड सर्कस हैज द सेम रूट एज सर्कल। इन अ क्लोज सर्कुलर एरिया वेरियस एंटरटेनमेंट्स एक्ट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन स्किल्स एंड एनिमल ट्रेनिंग आर प्रेजेंटेड बिफोर द क्राउड। अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल अप टू अ हाइट ऑफ 8 मीटर एंड कॉनिकल अबव इट। द डायमीटर ऑफ बेस इज 28 मीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ टेंट इज 18.5 मीटर्स। बाकी आपके क्वेश्चन है, तो जो उसने दिया है वो हमको लिखना है। तो देखो इसने क्या बोला है, अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल अप टू द हाइट ऑफ 8 मीटर्स, तो दैट मीन्स ये वाला हाइट इज 8 मीटर्स। नेक्स्ट, कॉनिकल अबव इट द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 मीटर्स, तो वी कैन से डायमीटर इज इक्वल टू 28 मीटर्स। तो रेडियस कितना हो गया, 14 मीटर्स, है ना, ये भी 14 हो गया और ये भी 14 हो गया। फिर क्या दिया इसने, एंड द टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 18.5, तो टोटल हाइट इज 18.5 मीटर्स। तो देखो यहां से यहां तक 8 है, तो रिमेनिंग इज 10.5, तो ये आपका 10.5 है इसका हाइट, तो वी कैन राइट हियर 10.5 मीटर्स। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट। तो स्लैंट हाइट निकालना है, तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, एल इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें वैल्यू डालना है, तो देखो क्या आ रहा है, रूट अंडर आर स्क्वायर, तो दैट मीन्स आर इज योर 14, तो 14 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज 10.5, तो 10.5 को हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 105/10। होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो ये क्या हो रहा है आपका, 14 स्क्वायर इज 196 प्लस, नेक्स्ट इसको आप रिड्यूस करना है तो रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं करना है तो मत करो। तो ये है 105 का स्क्वायर, तो 105 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 10 × 11, है ना, यहां पर देखो 10 है, तो 10 × 11 इज 110, तो ये आपका आ जाएगा 110 और लास्ट में 25 बाई, और 10 का स्क्वायर इज 100। अब इसको सॉल्व करो, तो एलसीएम इज 100, तो आपका एलसीएम आ गया 100। तो ये हो गया 19600 प्लस 11025, तो ये हो गया आपका 25, इधर हो गया 6, इधर हो गया 0 और ये हो गया आपका 3/100। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, फॉर द लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका वैल्यू निकालना है, तो निकालो, तो ये आपका देखो क्या होगा, 30625, तो 1 × 1, तो ये हो गया 2, यहां पर प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 2, फिर आप 06 को एक साथ नीचे उतारेंगे दो दो करके, तो नाउ वी कैन से इट्स 9 times, 9 times नहीं आएगा, 99 is 81, तो इट विल बी 5 times, 5
फाइव एंड फाइव 25 टू कैरी, फाइव नहीं सिक्स सेवन, सेवन सेवन 49 फोर कैरी, सेवन टू 14 प्लस फोर इज 18, तो ये आपका आ गया सेवन और ये हो गया वन। फिर आप 25 को एक साथ उतारेंगे तो ये हो गया आपका प्लस सेवन करो तो ये हो गया 34। और यहां पर आपको लिखना है एक वैल्यू, तो नाउ वी कैन से फाइव टाइम्स, तो फाइव फोर इधर भी फाइव, फाइव फाइव 25 टू कैरी, 20 22 टू कैरी 17, तो आपकी वैल्यू 175 आ गई। तो 175 और 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 10, तो ये हो गया आपका 17.5 मीटर इज योर स्लैंट हाइट। ठीक है, नेक्स्ट डिटरमाइन द फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट। फ्लोर एरिया दैट मीन्स सर्कल का एरिया निकालना है आपको, दैट इज पाई आर स्क्वायर, तो सर्कल एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करो। तो देखो क्या आ रहा है, 222 बाय 7 इंटू आर स्क्वायर इज 14 इंटू 14, इसको कट किया ये हो गया 2 टाइम्स, तो अब ये क्या आ गया देखो 22 इंटू इंटू 28, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 16 वन कैरी 5 56 अगेन 56, तो नाउ यू विल गेट 616, तो 616 मीटर स्क्वायर इज योर फ्लोर का एरिया। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर हमारा आया था 17.5, तो ये आपका 17.5 है मीटर्स। सेकंड वाला हमारा आया 616 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट। तो क्लॉथ में आप क्या यूज करेंगे, कर्व सरफेस एरिया दोनों का, तो यहां पर आप लिख सकते हैं क्लॉथ यूज्ड, तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, तो दोनों का फॉर्मूला इसमें डालते हैं। तो CSA ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, तो इसके अंदर देखो पाई आर, ये पाई आर कॉमन है उसको बाहर ले लो, तो पाई आर इज कॉमन, तो आपका यहां पर बच गया 2H प्लस एल, इसके अंदर वैल्यू डाल दो, तो 22 बाई 7 आर इज 14, 2H, H आपका किसका है देखो सिलेंडर का, तो 16 प्लस एल इज 17.5, तो यहां से इसको कट कर दो तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो गया 44 इंटू दोनों को ऐड करो तो 0.5 13, तो 33.5, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 4 5 जा 20 टू कैरी, 4 3 जा 12 प्लस 2 इज 14 वन कैरी, और इधर आ गया 13 अगेन 1340, तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया 4, ये 7, ये 4, ये 1। ठीक है, एंड पॉइंट के बाद एक है, दैट मीन पॉइंट विल कम हियर, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 1474 मीटर स्क्वायर आपको क्लॉथ लगेगा, तो दैट मीन्स 1474, तो दिस इज योर थर्ड आंसर 1474 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो या तो आपको यह करना है और अदरवाइज आपको फोर्थ वाला भी करना है।
तो वॉल्यूम निकालना है, टोटल वॉल्यूम इसके अंदर कितना होगा एम्प्टी का, फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड एम्प्टी टेंट। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अ कोन, तो वी कैन से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो इसका फॉर्मूला डाल दो, तो पाई आर स्क्वायर एच, इसका हो गया पाई आर स्क्वायर एच प्लस कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये दोनों एच आ गए, दोनों डिफरेंट है, एक को हम 1 ले लेते हैं एक को 2, तो 1 हमारा सिलेंडर वाला है ये वाला, और ये हो गया आपका एच टू। तो देखो इसके अंदर पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो उसको कॉमन को लिखो 22/7 इंटू 14 इंटू 14, अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा एच वन दैट मीन्स 8 प्लस, और इसके अंदर 1/3 एच टू, एच टू आपका कितना है 10.5 बाय 3, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स, तो 22 इंटू 44 इंटू 14 इंटू, और यहां पर एलसीएम ले लो दैट इज 3, और इसको रिड्यूस कर दो आपकी मर्जी है, तो इसको रिड्यूस किया तो ये आ गया आपका 3.5, तो ये हो गया आपका 11.5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 16, 1 कैरी 4, 5 56 अगेन 56, तो ये हो गया आपका 616 है ना, 616 616 इसको साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 33 कैरी, 6 + 3 9 फिर इधर 6 फिर 1 से तो 5 1 1 फिर 6 से तो 0 9 6, तो आपकी वैल्यू देखो क्या आ रही है 0 14 1 कैरी 8 फिर आपका 10 and 7 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट इज दैट दैट विल पॉइंट विल कम हियर, तो ये आपका कितना हो गया 70 84 मीटर क्यूब, ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा 70 84 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ अ टेंट, ठीक है, तो आपको इसको इस तरह से करना।